हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज यहां पर जो है दोस्तों, हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा मोहाली मैदान पे, जो कि होम ग्राउंड रहेगा पंजाब किंग्स का। फिलहाल यहां पर जो दोस्तों, ये मुकाबला आपको 7:30 बजे शुरू होता हुआ नजर आएगा। हम यहां पर आपको बताएंगे किस तरीके से फैंटेसी 11 बनानी है, कौन से प्लेयर्स को जो है दोस्तों आज आपको अपने टीम में शामिल करने हैं, और साथ ही में कौन से प्लेयर्स को जो है आज आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं पहले इस मैदान पर जो कि मोहाली में खेला जा रहा है, दोनों ही टीमों का किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन रहा है। तो अभी तक दोस्तों, यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने जो है 8 मुकाबले खेली है, वही पंजाब किंग्स की टीम ने जो है 10 मुकाबले खेली है। दोनों ही टीमें यहां पर जो है दोस्तों 50-50% यहां पर मुकाबले जीतती है, और अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए दोस्तों पंजाब किंग्स की, तो 172 रन का रहता है एवरेज स्कोर पंजाब किंग्स का। वही यहां पर मुंबई इंडियंस के टीम का यहां पर जो दोस्तों एवरेज स्कोर रहता है 153 रनों का। वही अगर पंजाब किंग्स के अगर हाईएस्ट टोटल की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर 201 रनों का हाईएस्ट टोटल है पंजाब किंग्स की टीम का। वही यहां पर हाईएस्ट टोटल जो है मुंबई इंडियंस का 189 रनों का है, और लोवेस्ट टोटल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर 150 रन लोवेस्ट स्कोर रहा है पंजाब किंग्स की टीम का। और साथ ही में यहां पर जो दोस्तों मुंबई इंडियंस का 87 रनों का यहां पर लोवेस्ट टोटल हमें देखने को मिला है। फिलहाल यहां पर बात करें तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इन इस बिंद्रा स्टेडियम की, तो यहां पर जो दोस्तों बारिश आने की संभावना जरूर बनी हुई है। हालांकि यहां पर जो दोस्तों बारिश आना तो नहीं चाहिए, लेकिन बारिश अभी भी यहां पर जो दोस्तों आज जरूर रही। जिस तरीके से मैं अब यहां पर वीडियो बना रहा हूं, उस टाइम पे बारिश पंजाब किंग्स मोहाली के मैदान पर जो है दोस्तों आ रही है। अब यहां पर अगर दोस्तों डिग्री की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस यहां पर जो है टेम्परेचर रहेगा। वही ह्यूमिडिटी की बात की जाए दोस्तों, तो 66% यहां पर जो ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है, और साथ ही में 25% यहां पर चांसेस है कि बारिश आपको जो है बीच मुकाबले में भी यहां पर आपको आते हुए नजर आए। और अभी तक अगर दोस्तों देखा जाए इस पिच में, तो 60 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, और 60 में से 42% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीती है। वही यहां पर चेस करने वाली टीम ने जो है दोस्तों 58% यहां पर मुकाबले जीती है। जो भी टॉस जीतेगा, हो सकता है यहां पर जो है पहले गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आए। इस पिच की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर यहां पर 167 रनों का रहता है। वही अगर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात की जाए दोस्तों, तो 156 रनों का यहां पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट टोटल की बात की जाए दोस्तों, तो 257 रन यहां पर आपको बनते हुए नजर आएंगे, और लोवेस्ट टोटल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 67 रन यहां पर जो है लोवेस्ट टोटल हमें देखने को मिला है। साथ ही में अगर हाईएस्ट चेस की बात की जाए, तो 194 रन यहां पर चेस किए जा चुके हैं। वही अगर लोवेस्ट डिफेंड की बात की जाए दोस्तों, तो 106 रन यहां पर डिफेंड भी किया जा चुका है। वही अगर हम बात करें यहां पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी या फिर स्पिनर्स को, तो दोस्तों यहां पर जो है पिछले 10 मुकाबले में 61 विकेट यहां पर पेसर्स ने निकाली है। वही यहां पर जो दोस्तों स्पिनर्स ने जो है 52 विकेट यहां पर जो है दोस्तों विकेट्स निकाली, तो कहीं ना कहीं यहां पर पेसर्स को जो है 54% विकेट्स मिलती है। वही स्पिनर्स को जो है दोस्तों 46% यहां पर विकेट्स मिलती है। फिलहाल यहां पर मैं आपको दोस्तों एक और चीज यहां पर बताते चलूं कि अगर यहां पर आपको जो है फैंटेसी 11 बनानी है, तो कम से कम यहां पे मुंबई इंडियंस की जो टीम है दोस्तों, यहां पर अपने 5 विकेट्स गंवाते हुए नजर आएंगी। वही पंजाब किंग्स की टीम जो है दोस्तों, आपको 7 से 8 विकेट्स यहां पर गंवाते हुए नजर आएंगी। मतलब मुंबई की टीम के आप जो है 2 से 3 गेंदबाज यहां पर ले सकते हैं, 2 गेंदबाज अच्छा रहेगा और 3 भी आप ले सकते हो, और साथ ही में एक ऑलराउंडर आपको लेना है, जैसे कि कैमरन ग्रीन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिलहाल दोस्तों यहां पर हम चलते हैं, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं शिखर धवन की। तो शिखर धवन ने अभी तक के जो है पीयूष चावला के खिलाफ जो है दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी जरूर करी है, लेकिन पीयूष चावला ने भी जो है 2 दफा यहां पर आउट किया है। वही अगर बैंड्रॉफ अगर आज खेलते, तो दोस्तों अपने बैंड्रॉफ को जो है ना अपनी टीम में जरूर से रखिएगा, वो आपको जो है आज अच्छे खासे पॉइंट्स यहां पर दे सकते हैं। और अगर जैसन बैंड्रॉफ की बात की जाए दोस्तों, तो 2 बार यहां पर आउट किया है शिखर धवन को। हालांकि स्ट्राइक रेट जो है काफी कमाल का है दोनों ही गेंदबाजों के खिलाफ शिखर धवन का। वही जोफ्रा आर्चर ने भी यहां पर जो दोस्तों 1 बार आउट किया है। और अब यहां पर जो दोस्तों बात कर लेते रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को कगिसो रबाड़ा ने जो है दोस्तों 4 बार यहां पर आउट किया है, और स्ट्राइक रेट भी 120 का रहता है, और साथ ही में 74 गेंदे अभी तक खेली और 89 रन यहां पर जो दोस्तों बनाए। तो ऐसे में हो सकता है कगिसो रबाड़ा आपको जो है यहां पर रोहित शर्मा का विकेट निकालते हुए नजर आए। मैंने आपको पिछले मुकाबले में बताया था ट्रेंट बोल्ट या तो फिर संदीप शर्मा यहां पर रोहित शर्मा को जो है पावर प्ले में आउट कर देंगे, तो वैसे ही हुआ था, संदीप शर्मा ने जो है रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया था। अर्षदीप सिंह की यहां पर बात की जाए दोस्तों, तो अर्षदीप सिंह के खिलाफ भी जो है अभी तक के 7 गेंदे खेली है रोहित शर्मा ने, और अपना 1 बार यहां पर विकेट गंवाया है। फिलहाल यहां पर जो दोस्तों बात कर लेते सूर्य कुमार यादव की,
तो सूर्य कुमार यादव यहां पर जो है दोस्तों कगिसो रबाड़ा ने जो है 3 बार यहां पर आउट किया और साथ ही में सैम करन ने जो है 2 बार यहां पर आउट किया है, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों के खिलाफ जो है काफी बढ़िया यहां पर स्ट्राइक रेट रहता है। दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव आज रिस्की प्लेयर हो सकते हैं, अपने टीम में आप चाहो तो रख सकते हो और चाहो तो ना भी रख सकते हो, एक रिस्की ऑप्शन रहेगा। अब आपकी जैसी मर्जी दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे हम अपनी टीम में रखते हैं या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं, मैथ्यू शॉर्ट था आज के इस मुकाबले में खेलेंगे नहीं, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं लाइम लिविंगस्टोन की। तो दोस्तों यहां पर लाइम लिविंगस्टोन जो है रायली मेरेडिथ के खिलाफ फंसते हुए नजर आते हैं, 9 गेंदे अभी तक खेली है, 10 रन बनाए लाइम लिविंगस्टोन ने, हालांकि एक ही बार यहां पर अपना विकेट गवाया, लेकिन पीयूष चावला ने भी जो है दोस्तों 1 बार इनको आउट किया है। ऐसे में दोस्तों यहां पर हो सकता है कि लाइम लिविंगस्टोन एक अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर ले, वरना यहां पर आउट हो जाए। लाइम लिविंगस्टोन भी एक रिस्की ऑप्शन जरूर रहेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे टीम में आपको रखना है या फिर नहीं। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम जो है अपनी विनिंग टीम यहां पर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही में आप देख सकते हो हमारा प्रदर्शन जो है किस तरीके से यहां पर रहा है। फिलहाल जो है दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईशान किशन की, तो कगिसो रबाड़ा के खिलाफ यहां पर जो है दोस्तों 1 बार आउट हुआ और साथ ही में अर्शदीप सिंह ने भी यहां पर 1 बार आउट किया है। और अगर दोस्तों देखें तो स्ट्राइक रेट काफी कमाल का रहता है कगिसो रबाड़ा के खिलाफ और अर्शदीप के सामने, तो यहां पर 1 ही बार आउट हुए हैं। मतलब जो है दोस्तों अभी यहां पर ईशान किशन अगर विकेट कीपर के ऑप्शन में अगर देखें तो जितेश शर्मा आपको नजर आएंगे, प्रभसिमरन सिंह यहां पर नजर आएंगे और साथ ही में ईशान किशन, तो आपको जो है दोस्तों ईशान किशन यहां पर पिक करना चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन जरूर रहेगा और बढ़िया बल्लेबाजी आज के इस मुकाबले में करेंगे। ईशान किशन जो है दोस्तों आपको 30 से ज्यादा रन यहां पर बनाकर देंगे, और क्या बोल दो मेरे भाई, 30 से ज्यादा रन बनाएंगे, अपने टीम में अपने आराम से रखिए। फिलहाल बात कर लेते हैं सैम करन की, तो दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह तो खेल रहे नहीं है, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं कैमरन ग्रीन की, तो नेथन एलिस ने इनको जो है दोस्तों 1 बार आउट किया है और यहां पर हो सकता है कैमरन ग्रीन एक अच्छी बारी यहां पर खेले, गेंदबाजी भी करते, विकेट्स भी यहां पर निकाल सकते, तो अपने टीम में यहां पर जरूर रखिएगा, इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी जो है आप बना सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहां पर हम चलते हैं और बात कर लेते हैं टीम डेविड की, तो लाइम लेगिस्टोन ने यहां पर 1 बार आउट किया है, सैम करन ने यहां पर 1 बार आउट किया और नेथन एलिस यहां पर जो दोस्तों 1 बार आउट किया, और इनके खिलाफ जो स्ट्राइक रेट भी कुछ खास कमाल का रहा नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर टीम डेविड चेस करने के लिए आते हैं तो इनको अपनी टीम में रखिएगा, अगर फर्स्ट बैटिंग यहां पर आती है तो ना ही रखे तो काफी बेहतर रहेगा। आपको मैं पहले ही बता दूं कि 5 विकेट्स आपको जो है मुंबई इंडियंस के गिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहां पर जो दोस्तों बात कर लेते हैं तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा आज अच्छा ऑप्शन रहेगा, आपको जो है दोस्तों 30 से ज्यादा रन यहां पर बनाकर देंगे टीम, तिलक वर्मा को अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। फिलहाल यहां पर जो है दोस्तों हम बातचीत कर लेते हैं अब कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट रहेगा, तो कैमरन ग्रीन जो है दोस्तों आप इन्हें चाहो तो कैप्टन बना सकते हो और चाहे तो वाइस कैप्टन यहां पर बना सकते हो, और साथ ही में पीयूष चावला को भी जो है दोस्तों आप वाइस कैप्टन या कैप्टन यहां पर बना सकते हो। 2 विकेट्स यहां पर 100% आपको जो है दोस्तों लेकर लेते हुए नजर आएंगे पीयूष चावला। अब चलते हैं दोस्तों और यहां पर बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से हमने अपनी फैंटेसी 11 की टीम बनाई है, 2 टीम मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा, बाकी टीम जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और साथ ही में चैट बॉक्स पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 2 टीम्स यहाँ पर बता रहा हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर में हमने जो है दोस्तों जितेश शर्मा को रखे हैं और ईशान किशन को यहाँ पर रखा है, और साथ ही में जो है दोस्तों बैट्समैन पे अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव को हमने रखा है और साथ ही में तिलक वर्मा को, 2 ही बैट्समैन यहाँ पर रखे हैं। ऑलराउंडर्स यहाँ पर जो है दोस्तों सैम करन और साथ ही में सिकंदर रजा को यहाँ पर हमने रखा है और साथ ही में कैमरन ग्रीन को यहाँ पर जो है दोस्तों कैप्टन हमने बनाया है और वाइस कैप्टन जो है ईशान किशन को यहाँ पर बनाया है, और गेंदबाजों में हमने रखा है पीयूष चावला, कगिसो रबाड़ा, कगिसो रबाड़ा को जो है दोस्तों अपने टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, ये 2 से ज्यादा विकेट्स आपको निकाल कर दे सकते हैं और 2 निकाल के ही देंगे। पीयूष चावला, कगिसो रबाड़ा, इन 2 प्लेयर को आपको रखना है, साथ ही में तिलक वर्मा, ईशान किशन, ये 4 खिलाड़ी को जो है दोस्तों अपने आपको टीम में रखना जरूर है। फिलहाल यहाँ पर रायली मेरेडिथ को भी हमने रखा है, अगर बेंड्रॉफ यहाँ पर खेलते तो दोस्तों बेंड्रॉफ को भी यहाँ पर आप रख सकते हैं रायली मेरेडिथ की जगह, या तो फिर रायली मेरेडिथ को रखिए। और अर्शदीप सिंह यहाँ पर जो है दोस्तों हमने इनको भी रखा है, ये भी अच्छी गेंदबाजी, 1 विकेट ये निकालेंगे। और अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर और दूसरी टीम में आपको बता दूं, तो दूसरी टीम में हमने रखा ईशान किशन को, प्रभसिमरन सिंह को और साथ ही में रोहित शर्मा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा आज के इस मुकाबले में जो है रिस्की ऑप्शन रहेंगे, आप अगर रिस्क ले सकते हो तो रोहित शर्मा के साथ चले जाइएगा। फिर उसके बाद हमने जो है दोस्तों रखा है सूर्य कुमार यादव, पिछले 3 मुकाबले में काफी बढ़िया बल्लेबाजी करी है, आज के इस मुकाबले में भी जो है दोस्तों 30 से ज्यादा रन ये बना सकते हैं और पंजाब किंग्स के खिलाफ इनका बल्ला खूब चलता है, सारे गेंदबाजों के खिलाफ जो इनका स्ट्राइक रेट काफी कमाल का है। वही यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो सिकंदर रजा को हमने यहां पर रखा है, सैम करन को हमने वाइस कैप्टन यहां पर बनाया, कैमरन ग्रीन को यहां पर जो दोस्तों कैप्टन बनाया,
पीयूष चावला को हमने रखा है, कगिसर अबाड़ा यहाँ पर रखा है, जोफ्रा आर्चर को रखा है और अर्शदीप सिंह को यहाँ पर रखा है। अगर बैंड्रॉफ खेलते तो दोस्तों यहाँ पर जोफ्रा आर्चर की जगह आप जो है बैंड्रॉफ के साथ जा सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी आज की टीम। वीडियो अगर आपको जो है अगर कोई और जानकारी भी आपको चाहिए तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, आप अच्छा खासा पैसा आज कमाओगे।